अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। विरोध करना वो तो आम इंसान का काम होता है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल आदमी होता है वो विरोध नहीं करता, एक काम करता रहता है। क्या करता है? वो काम करते रहते हैं। मरना तो सबको है कि नहीं? मगर वो किसी के विरोध से डरते नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब नहीं है। जो नीयत खराब है वही दुनिया में पावरफुल के हिसाब से जीते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मगर जो व्यक्ति की नीयत साफ है, इसको क्या डरने की जरूरत है? नहीं है। मरना तो दोनों का है। क्या बताया? मरना सबको है। मगर आज लोग क्या कहेंगे? फिर तुम सच्चा मत बोलो तो लोग आपको मार देंगे। डर पैदा करते हैं। मैंने कहा डरने की क्या जरूरत है? मरना तो राम को भी था, कृष्ण को भी था, महावीर को भी था। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। और महान पुरुष की यही विशेषता होती है कि जो शरीर को मरना ही है, इसको मारने वाला कौन है? समय। क्या है? समय। कोई व्यक्ति नहीं है। तो समय से मरना बोलो सबकी बात है, कोई व्यक्ति की बात नहीं। मगर जहां तक समय नहीं आया है, वहां तक जो लोग इस दुनिया की सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं, वो ही सच्चे महान पुरुष हैं। वो किसी के दबाव में या प्रभाव में आके या स्वार्थ और लालच में आके कोई बात नहीं करते हैं। आप समझे कि नहीं? तो ये बात करिए। और इसीलिए आप देखो, अगर मैं व्यक्ति के रूप में एक छोटा व्यक्ति हूं, न मेरे पास कोई संस्था है, न मेरा कोई फॉलोअर्स है, न कोई मंदिर है, क्या बताया, ना ही कोई संपत्ति है, ना ही कोई संस्था है, और फिर भी हमारी जबान में से जो जो निकलता है वो सुन के बड़ी बड़ी संस्था वाले भी हिल जाते हैं। नहीं समझ में आया? ये चारित्र का पावर है। किसका पावर है? आप समझे ना? राम ने भी जब रावण के साथ युद्ध किया था, तब उनके पास वेपन नहीं थे, सिर्फ वानर सेना थी। क्या थी? मगर उनके पास ये था, सच्चाई थी। क्या था? रावण के पास सब कुछ था, सही नबी थे, सब कुछ था उनके पास। तो आप समझे कि नहीं समझे? तो महानता ये होनी चाहिए कि हम जहां तक जीवित है, वहां तक दुनिया को आगे ले जाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, और इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए, और कहीं डेवलप थी अच्छा इंसान बन के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इसके लिए जो भी बताना चाहिए वो महान पुरुष बताने की कोशिश करता है। इसमें से जो व्यक्ति को जो कुछ भी लेना है वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं। महानता इसमें नहीं है कि ये बात कितने लोग सुनते हैं। महानता इसमें है कि बात करने वाले व्यक्ति की नीयत कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है। आप समझे ना? उनका इंटेंशन, आशय क्या है, वो बड़ी बात है। संख्या इंपोर्टेंट नहीं है। राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर जो भी लाइफ है उनका, 100, 500, 1000 जो भी वर्ष है, हम इससे इंपोर्टेंट नहीं है, हम आंकड़े में जाना नहीं चाहते हैं। मगर राम और कृष्ण का जितना भी लाइफ था, कभी अपनी पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया है। हा या ना? बोलिए। और है तो मेरे को प्रूफ बताओ। समझे नहीं समझे? तो 25 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया, मतलब क्या वो कमजोर थे? आप समझे कि नहीं? मगर उसके जाने के बाद आज करोड़ों लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उसकी जबान में, उनके चरित्र में क्या था? पावर। तो पावर की कीमत है, संख्या की कीमत नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे?
मैंने बहुत सारे महान पुरुषों का चरित्र पढ़ा है, मगर जिनके अंदर सच्चाई होती है ना, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सामने वाले व्यक्तियों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो खुद के कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया झुकती है। आप समझे? मैं बहुत सारी, मैंने बचपन से लेके दुनिया के 30 धर्मों का अध्ययन किया। क्या बताया? छोटी उम्र में 15 साल की उम्र तक मैंने कर दिया, दुनिया के 30 धर्मों का अध्ययन कर दिया, और हजारों साधु संतों को मिला हूं, और कई महान पुरुषों की मैंने किताबें भी पढ़ी है जो मेरे को प्रेरणा देती है। क्या देती है? आप समझे ना? मैं छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लक्ष्य में रखता हूं। जैसे महात्मा गांधी जी थे, हमारे सामने ही अभी हो गए, वो की पुरानी बात नहीं है, उनका इतिहास हमारे सामने है। जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमको तो अहिंसा से आजादी लेनी है, तो पहले लोग इसको पागल समझने लगे। क्या समझने लगे? कितने सारे हथियारधारी लोग हैं, उनके सामने आप अहिंसा से आजादी की बात करते हो, इम्पॉसिबल है। क्या है? मगर एक व्यक्ति का मनोबल देखो, कभी किसी को लकड़ी भी नहीं मारी होगी। आप समझो, वो महात्मा गांधी जी। ये जीवन के दो प्रसंग में कहूंगा। एक, जब मीठा का सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह करने के लिए निकले, तो पहले उन्होंने अनाउंस किया, ये काम के लिए मेरे को सब सहयोग दो, क्योंकि जो नमक होता है वो हमारे देश में पकता है और सभी के घर में नमक का यूज होता है, और ये लोग उसके ऊपर टैक्स डालना चाहते हैं। क्या डालना चाहते हैं? तो हम सबको पेमेंट करना पड़ेगा, हमारे देश का नमक टैक्स उनको मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो सत्याग्रह, मीठा का सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह। जब गांधी जी ने ऐसी बात किया कि हम उस दिन पर निकलने वाले हैं सत्याग्रह के लिए, तो लोगों ने समझा, पढ़े लिखे लोगों ने, ये तो पागल हो गए, मीठे के लिए, नमक के लिए क्या करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, छोड़ दो। आप समझे ना? देश की आजादी के लिए ठीक है, मगर नमक के लिए करना जरूरी नहीं है, ऐसा बुद्धिशाली लोगों ने सोचा। और जब निकलने का दिन आया, क्या बताया? अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो निकल रहे हैं वहां से, गांधी आश्रम में से, अहमदाबाद साबरमती आश्रम में से। तब उनके पास केवल 7 लोग थे। कितने? 7 लोग थे, मगर इसका कॉन्फिडेंस देखो, बात कॉन्फिडेंस की है, बात संख्या की नहीं है। उनको मालूम था मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं, वो लाखों लोगों की भलाई के लिए जा रहा हूं, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा हूं, और मेरी नियत उसके लिए साफ है, मेरे को न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए। आप समझे? और इसीलिए वो निकल पड़े सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग। और जैसे जैसे वो आगे चले, छोटे छोटे गांव में से 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, क्योंकि साबरमती से वो जगह तो, दांडी तो बहुत दूर है। आप समझे? तो कहने का मतलब, धीरे धीरे लोग क्या करें, जुटने लगे, और जब वहां दाढ़ी पहुंचे तो हजारों लाखों लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो एक व्यक्ति का आत्मविश्वास देखो। आप समझे? तो ऐसा नहीं कि कोई काम करोगे तो आज कितने लोग हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो, लोग जुड़ते रहेंगे। अगर आपकी नियत साफ है और आप में सच्चाई है, लोग स्वयं जुड़ते रहेंगे, आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझे? आपके बात में पावर होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, और आपके अंदर कोई अंधविश्वास, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। आप समझे? लोगों को सही राह बताने की कोशिश करना चाहिए, बाद में लोग जुड़ेंगे। आप समझे? और दूसरी बात, जब अंग्रेजों ने तय किया कि भी हमको भारत को आजादी देना है, तो उसके लिए किसको बुलाए? तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो उनको बुलाया, बोलो बात करने के लिए, फाइनल डिस्कशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेजी परिषद जो लंदन में हुई थी, तो गांधी जी को बुलाया। तो गांधी तो स्टीमर में गए, किसमें गए? उस समय तो इतना प्लेन का व्यवहार नहीं था और कॉस्टली भी था, तो स्टीमर में गए।
तो गांधी जी का तो पैरवेश तो सिंपल होता था, वही उनकी पोतरी, वो भी एक चीज लगाते थे, यहाँ घड़ी लगाते थे, चश्मा लगाते थे, हाथ में लकड़ी थी, यही उसका दीदार था। तो इतनी ठंडी में भी वो वही ऐसे ही गए, और वहां के जितने भी जो मिनिस्टर थे, क्या बताया इसको उस समय वाइसरॉय बोलते थे, क्या बोलते थे, वो वहां थे मिनिस्टर थे, वहां के चीफ मिनिस्टर भी प्रधान सेवक भी थे वहां चर्चित, वो भी उस समय था मुखिया, कंट्री का मुखिया प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहां थे, और बाकी सब मिनिस्टर भी वहां थे, और सबने सूट बूट पहना था, टोपी वोपी लगाई थी, सेल्ड बिल जो कुछ लगाना था स्टेटस के मुताबिक वो लगा दिया था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बैठे थे, और महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, क्या बताया उसकी एंट्री होती है, हालांकि उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, आप समझो कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, ऑफिशियल समझते हैं लीगली कोई स्टेटस, वो लोगों के दिल में उनका स्टेटस था, ऑफिशियल स्टेटस उसको रिक्रूट नहीं किया था, क्या आप देश के मुखिया है ऐसा रिक्रूट नहीं किया था, फिर भी वहां गए, मगर उसकी नियत और उसका कैरेक्टर देख के इतने बड़े वाइसरॉय रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए, आप समझे। तो ये जो व्यक्ति प्योर होती है ना उसका रिस्पेक्ट स्वयं होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों को दिलों में राज करता है, दिमाग में नहीं, ये पावर है उसका, क्या है वो पावर से वो खड़े हो जाते हैं, किसी को बोलने की जरूरत, हुक्म देने की जरूरत नहीं है। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, और चर्चिल ने बताया कि भाई हम आपको आजादी तो देंगे, मगर आप आजादी लेके क्या करोगे, ना आपके पास सड़क है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, ना आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ये देश को और इतने बड़े देश के इतने पॉपुलेशन को आप लेके करोगे क्या, आपके पास तो कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है ही नहीं, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना एजुकेशन, ना मेडिकल, ना टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है आपके पास, ये देश लोग के क्या करोगे, लोगों को भूखे मार दोगे, आप समझे ना, हम देना चाहते हैं मगर लेके करोगे क्या, इसको डराने की, गांधी जी को डराने की कोशिश किया ताकि वो मना कर दे। उस समय महात्मा गांधी जी ने सबके सामने बोला कि वी वांट फ्रीडम, क्या चाहिए, आजादी, हमको आजादी चाहिए, हम कौवे और कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं, बट वी वांट फ्रीडम बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, हम मुक्ति की कीमत जानते हैं, क्या बताया, आजादी क्या होती है इसकी हम कीमत जानते हैं, तो हमारे पास क्या है क्या नहीं वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं, वो ऐसे नहीं आता है, वो नियत से आता है, कैरेक्टर से आता है, ये शब्दों की बात नहीं है, ये शब्दों के पावर की बात है। अगर आज महात्मा गांधी जो भी प्रवचन में बोलते थे अगर वो ही शब्दों का कोई कॉपी कर देंगे, पावर कहां से लाओगे, तो शब्दों का पावर नहीं है, पावर से शब्द पावरफुल हो जाते हैं, आप समझे, जैसे आज अभी हम ब्राह्मण स्वामी जी जय सच्चिदानंद, मेरा एक प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं दो प्रश्न है, गीता में हमने एक श्लोक सुना है कि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मतलब मन ही बंधन और मोक्ष का कारण, बराबर एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये है मुक्त हम किसके लिए मोक्ष चाहते हैं, शरीर को तो बंधने के बाद में नष्ट कर दिया जाता है और आत्मा तो अजर अमर है, तो मोक्ष हम किसके लिए करें, इसका समाधान करिए। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या था, सबसे पहला प्रश्न बोलिए, पहला प्रश्न ये था
गीता में ये कहा गया है कि मन जो है, उनको रिपीट करें, मन जो है बंधन का और मोक्ष का यही कारण है ना जी। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि मोक्ष हम चाहते हैं, मानव शरीर धर के हम मोक्ष की कामना करते हैं, तो मोक्ष किसके लिए? शरीर तो जला दिया गया है, शरीर का मोक्ष तो खत्म हो गया, और आत्मा जो है अजय अमर है, तो फिर किसके लिए हम मोक्ष करते हैं? हाँ, तो पहले मन बंधन और मुक्ति का कारण है, ठीक है। उसमें प्रश्न क्या है आपका? वो स्टेटमेंट बताया है, उसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लगता है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, या और कोई प्रश्न करने का इरादा है? वो प्रश्न क्लियर करो। ये तो आपने सेंटेंस बोल दिया जी। हाँ, कंफ्यूजन ये है कि मन जो है हमारे शरीर को चला रहा है, मन ही मालिक है, मन ही ड्राइवर है, हम ऐसा मान लिए है ना। तो मन को यदि हम ये कर दें, तिरस्कृत कर दें, तो क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? क्योंकि मन को यदि कारण मानते हैं, है ना, मन ही सब कारण है, तो मन से हम सोच ले कि हम मुक्त हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे क्या? या मन से हम सोच ले कि हम बंधन में पड़े, तो बंधन में हो जाते हैं क्या? यही मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो गीता में लिखा है कि मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, वो बंधन का मतलब होता है। वो कौन सा मन है? वो भाव मन है, क्या है? और आज जीवन से जुड़ा हुआ जो मन है बाह्य क्रियाओं के लिए, वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन का मतलब होता है परिणाम वाला मन। जो पिछले अवतार में भाव मन था, वो आज द्रव्य मन हो गया है, समझ में आया? और आज जो भाव मन है, इससे नया कर्म बनता है। तो दोनों मन क्या है? एक मैकेनिकल माइंड है, क्या है? जो ऑटो मोड चलता है, ऑटो मोड समझते हैं ना, मैकेनिकल चलता है। जो आप चार्ज करके लाए हैं वो डिस्चार्ज होता है। जैसे हम फिल्म की डीवीडी बनाते हैं, फिर इसको प्ले करते हैं, तो जो डीवीडी में वो दिखता है, मगर इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। और दूसरा मन जो है वो क्या है? नई भावना से चार्ज करते हैं, जिसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट। तो ये दो प्रकार का मन है, पहले ये समझो। तो जो मैकेनिकल माइंड है वो बाह्य जीवन चलाने के लिए है, और उनके साथ जुड़ा हुआ फिक्स है, क्या है? सोच भी फिक्स है। क्या बताया? सोच भी फिक्स है, उसमें कोई करेक्शन या बदलाव नहीं कर सकते। मगर जो भाव मन है वो आज की हमारी सोच है, अनुभव है, और अनुभव के आधार से हम सोच के कहते हैं कि भी ऐसे संजोग नहीं, ऐसे संजोग होने चाहिए, ऐसी सोच नहीं, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी जबान नहीं, ऐसी जबान होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी दृष्टि नहीं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये करेक्शन करते हैं, तो वो भाव मन है। तो भाव मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। तो भाव मन में जब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ करेक्शन होता है, तो वो बंध का कारण है कि अभी मैं गुस्सा करता हूं, मगर भाव मन में कहता हूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो नए लाइफ में आप गुस्सा नहीं करोगे, मगर वो ही बंध का कारण हो गया, क्योंकि लाइफ तो मिलेगी आपको। भाई मेरे को ऐसा माता पिता नहीं, ऐसा माता पिता चाहिए, मगर लाइफ तो मिलेगी। भाई ऐसा भाई बहन नहीं, ऐसा भाई बहन चाहिए मेरे को। भाई मैं लेडीज नहीं, जेंट्स बनना चाहता हूं, तो जन्म तो मिलेगा। आपने आपके कॉज बदले, क्या बदले? कॉज का मतलब होता है कारण को परिवर्तन किया। कार्य तो नहीं कर सकते हैं, मगर आज का कारण नेक्स्ट बर्थ में क्या हो जाएगा? कार्य बन जाएगा। आज की एग्जाम नेक्स्ट बर्थ में क्या हो जाएगी? रिजल्ट हो जाएगी। मगर आज का रिजल्ट हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिछले अवतार की एग्जाम का फल है। समझ में आ गया? पैदा होते ही माता पिता, भाई बहन, धर्म, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि रिजल्ट है। रिजल्ट में पसंदगी, एग्जाम के साथ आपको पावर होता है, रिजल्ट में पावर नहीं होता है। आप समझे नहीं समझे? तो ये जो भाव मन है, वो भाव मन जहां तक संसार के साथ जुड़ा है, वहां तक नया संसार खड़े करेंगे, इसको कहते बंधन, बंधन का कारण। अगर वो भाव मन
आत्मा के साथ जुड़ गए तो वो मोक्ष का भी कारण हो सकता है।